हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 13.3 कोऑर्डिनेटर्स। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एबीसीडी इज ए रोम्बस, ई ए बी एफ इज ए स्ट्रेट लाइन सच दैट ई ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी एफ, प्रूफ दैट ई डी एंड एफ सी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल्स। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, ए बी सी डी आपके सामने एक रोम्बस है, ओके, ये फिगर होगा। ए बी सी डी हमने एक रोम्बस बना लिया। इसके बाद क्या बोला है, ई ए बी एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ई ए बी एफ, ओके। तो ये आपका रोम्बस है ए बी सी डी, और ई ए बी एफ आपकी हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। इसके साथ ही ये भी बोला है कि ई ए जो है वो ए बी के बराबर है, ओके, और ये दोनों बी एफ के बराबर हैं। देखिए, ये तीनों की तीनों लाइन आपस में बराबर है, ई ए बराबर है ए बी के और ए बी बराबर है बी एफ के, और ये तीनों आपस में बराबर हैं। आगे लिखा हुआ है प्रूव दैट ई डी एंड एफ सी वेन प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल्स। तो बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो ई डी है, ओके, और ये जो एफ सी है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, ओके, ई डी से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और एफ को सी से ज्वाइन कर दिया, और इस लाइन को ई डी को मैं अगर आगे बढ़ा दूँ, ओके, यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन आपस में जाकर कट करेंगी, ओके। इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और इस लाइन को भी मैंने आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जाकर ये कट करेंगी, ओके। तो जहाँ पर ये कट करती हैं, ये एंगल आपको प्रूव करना है कि ये एंगल है आपका 90 डिग्री। मेरी बात आ गई समझ में? ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना है। तो बच्चों, अब मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से सुनना। आपको प्रूव करना है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर आप इस पॉइंट को मान लीजिए जी। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी ओ सी जी, ये क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है। डी ओ सी जी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूँ तो उसे होगा क्या? बच्चों देखिए, ये वाला जो एंगल है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है। क्यों है? क्योंकि रोम्बस की डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि एंगल्स बनाती हैं 90 डिग्री का। मेरी बात आ गई समझ में? और पैरेललोग्राम के अंदर अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी एंगल भी आपके 90 डिग्री के होंगे। मेरी बात आ गई समझ में? हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके बाद ये 90 डिग्री का आपका एक एंगल ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो अगर ये आपका 90 डिग्री का है और पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वी नो दैट डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओके। तो ये आपके बाइसेक्टर्स हैं, ओके। तो इसका सिंपल सा मतलब है ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर होगा, ओके। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। इसके बाद आप लिखोगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओके। अब इसके बाद आपके एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ डी, एंगल
ए ओ डी, ओके, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा आपका, सी ओ डी के, इस एंगल के बराबर होगा, ओके, क्योंकि ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो ए ओ डी किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ डी के, कितना होगा 90 डिग्री, ओके। तो बच्चों इन द सेम मैनर ये एंगल भी आपके 90 डिग्री के होंगे, ओके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ओके, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी, कितना होगा 90 डिग्री। तो बच्चों आपका पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, आपने बता दिया कि ये एंगल आपका इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, डी ओ सी जी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो दूसरा टास्क क्या होगा, आपको पैरेलल लाइंस आपस में प्रूव करनी है, ओके, पैरेलल लाइन आपस में प्रूव करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी ई, ओके, बी डी ई, देखिए बी डी ई ये ट्रायंगल आपको लेना है। अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ट्रायंगल बी डी ई के अंदर आपके दो मिड पॉइंट है, ओ और ए, कैसे, देखिए इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर है, ऑलरेडी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। अब देखिए आपका ई ए जो है वो ए बी के बराबर है, तो ए आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, मेरी बात आ गई समझ में, ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है, तो ओ आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ई ए जो है वो ए बी के बराबर है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ए और ओ आपके दो मिड पॉइंट हो जाएंगे ट्रायंगल बी डी ई के अंदर। तो बच्चों इन मिड पॉइंट की मदद से हम कह सकते हैं कि जो ओ ए लाइन है, ये जो ओ ए लाइन है वो पैरेलल है डी ई के, जो ओ ए लाइन है वो पैरेलल है डी ई के, ओके। आप क्या लिखेंगे, ओ ए इज पैरेलल टू डी ई, ओके। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो ओ सी है, जो आपकी ओ सी है ये पैरेलल होगी किसके, डी जी के। जब आपकी ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, कौन कौन सी, ओ ए इज पैरेलल टू डी ई, और जब ये एक्सटेंड हो रही हैं, ओके, अब देखिए डी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड किया जी तक और ओ को सी तक, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ओ सी लाइन है वो भी पैरेलल होगी किसके, डी जी के। मेरी बात आ गई समझ में। तो बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो अब आप बताइए कि हम कौन सा दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, जल्दी से बताइए, आपको लेना पड़ेगा ट्रायंगल, जल्दी बोलिए, ट्रायंगल सी एफ ए। जो आपने रूल ये अप्लाई किया है वही रूल आपको इस ट्रायंगल के अंदर भी अप्लाई करना है। अब बच्चों इस ट्रायंगल सी एफ ए के लिए आपको दो मिड पॉइंट लेने हैं, कौन कौन से होंगे, ओ और बी, ओके, मेरी बात आ गई समझ में। अब देखिए ओ बी जो है वो पैरेलल होगी आपकी सी एफ के, ओ बी जो है वो आपकी पैरेलल होगी सी एफ के, ओके। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी, कौन सी, ओ डी और जी सी, मेरी बात आ गई समझ में। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये भी तो पैरेलल होंगी, ओके। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी इज पैरेलल टू सी एफ, ओके। आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आपने कौन कौन से मिड पॉइंट लिए थे, ए एंड ओ, ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट थे, और इस ट्रायंगल के अंदर आपने कौन कौन से लिए हैं, ओ एंड बी, ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो ओ डी है वो भी पैरेलल होगी जी सी के, मेरी बात आ गई समझ में। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपकी दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ओके, अब मान लीजिए ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, अगर इसी लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दूं, तो ऑब्वियसली ये लाइन भी तो पैरेलल होगी। तो बच्चों अब आपने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल डी ओ सी जी में आपने अपोजिट लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया, ओके। आप क्या लिखेंगे, दस इन क्वाड्रिलेटरल डी ओ सी जी वी हैव ओ सी इज पैरेलल टू डी जी, ओके, आप इस बात को लिखेंगे ओ सी इज पैरेलल टू डी जी,
एंड ओ डी इज पैरेलल टू जी सी, ओ डी इज पैरेलल टू जी सी। तो इसका सिंपल सा मतलब है जब अपोजिट लाइंस आपस में पैरेलल हो चुकी हैं तो ये बन चुका है आपका पैरेललोग्राम। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर डी ओ सी जी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में एक रूल पढ़ा था कि अगर आपका एक एंगल राइट एंगल है ओके पैरेललोग्राम के अंदर, तो आपके बाकी के एंगल भी आपके 90 डिग्री के होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर आपका ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी आपका 90 डिग्री का प्रूव हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका एंगल डी जी सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।